हाय एवरीवन, होप यू डूइंग वेल। लास्ट वीक हमने MFI 50 लेवल की इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का बैक टेस्टिंग किया था अपने चैनल पे, और वो RSI से बेटर है कि नहीं इस पे भी वीडियो डाला था। सो अगर आपने वो वीडियो अब तक नहीं देखा है तो इस वीडियो के बाद उसको जरूर चेकआउट करना। आपने देखा होगा मैं अपने चैनल पे स्टॉक्स पे ही बैक टेस्टिंग करता हूँ। आप लोगों में से कई लोगों ने मुझे रिक्वेस्ट किया है भाई बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी टेस्ट करो या फिर निफ्टी की स्ट्रेटजी टेस्ट करो, और आप सबको पता है कि निफ्टी 50 या फिर बैंक निफ्टी में हम डायरेक्टली ट्रेड नहीं कर सकते। हम ट्रेड करते हैं उनके कॉन्ट्रैक्ट्स को, और ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स होता है उसका प्राइस डेटा अवेलेबल नहीं रहता उसके एक्सपायरी के बाद। आपको पता है एक कॉन्ट्रैक्ट या तो वीकली एक्सपायरी रहता है या तो मंथली रहता है या तो मैक्स टू मैक्स 3 मंथ एक्सपायरी होती है। इसलिए हम लोग को, हम जो भी बैक टेस्टिंग करेंगे हम इनके स्पॉट चार्ट पे बैक टेस्टिंग करेंगे। तो हम ये वीडियोस में हम फ्यूचर्स के लिए बैक टेस्टिंग करेंगे, बट आपको इसे समझ जाएगा कि ये जो इंडेक्स फंड होते हैं जैसे निफ्टी हुआ या फिर बैंक निफ्टी हुआ, ये ऑप्शंस में कैसे काम कर सकता है फ्यूचर का रिपोर्ट्स देख के। ऑब्वियसली ऑप्शंस का आउटपुट अलग होगा क्योंकि उसमें और भी बहुत सारे वेरिएबल्स होते हैं। तो चलिए, ये वीडियो हमारा अपडेट वीडियो होगा 5 ई वाली स्ट्रेटजी प्रोवाइडेड बाय पावर ऑफ स्टॉक्स था। हमने ऑलरेडी इस पे एक वीडियो बना दिया है अपने चैनल पे। अगर आपने अब तक वो वीडियो नहीं देखा है तो ये वीडियो के बाद उसे ज़रूर चेकआउट करना। लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा था उस वीडियो पे, और बहुत लोगों को ये स्ट्रेटजी बैंक निफ्टी में भी टेस्टिंग करके चाहिए था। तो मैंने सोचा चलिए यही स्ट्रेटजी से शुरू करते हैं और लोगों की ख्वाहिश पूरी करते हैं जिनको नहीं पता उनके लिए। सो टुडेज वीडियो इज एन अपडेट वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू बैक टेस्ट अ फेमस स्ट्रेटजी कॉल्ड 5 MA स्ट्रेटजी इज प्रोवाइडेड बाय सुभाष पन्नी फ्रॉम पावर ऑफ स्टॉक। ये स्ट्रेटजी उन्होंने ट्रेड कार्निवल के इवेंट में शेयर किया था। तो इंट्रो के बाद हम स्ट्रेटजी पे चलते हैं, जहां हम 5 MA स्ट्रेटजी को 100 times टेस्ट करेंगे बैंक निफ्टी में, और इससे हमें इस स्ट्रेटजी का असली विन रेट पता चलेगा। सो हाय एवरीवन, दिस इज प्रणीत फ्रॉम ट्रेडर इनसाइट, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले हम ट्रेडिंग व्यू पे जाएंगे और टाइम फ्रेम को 5 मिनट्स कर देंगे, और फिर ऊपर इंडिकेटर में हम EMA प्लॉट करेंगे, और ये EMA में सेटिंग्स में जाके पीरियड को 5 कर देंगे। चलिए, जैसे हमने लास्ट वीडियो में बोला था, ये सेटअप जो है 5 मिनट्स टाइम फ्रेम पे सिर्फ सेल कंडीशंस के लिए ही होगा, और बाय के लिए अगर आपको यूज़ करना है तो 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम यूज़ करना पड़ता है सुभाष पनी जी के हिसाब से। और जो स्टॉक्स के केस में एग्जांपल था कि आपको ट्रेड सिर्फ 9 to 10 के बीच में ही लेना है, बट अगर आप निफ्टी 50 में ट्रेड कर रहे हो तो आप पूरा दिन ट्रेड ले सकते हो क्योंकि इसमें पूरा दिन वॉलीटिलिटी रहता है। सो चलिए रूल्स फॉर सेल सेटअप देखते हैं। इसमें एक ही रूल है, द लो ऑफ द एंट्री कैंडल शुड बी अबव 5 MA। बेसिकली जो कैंडल बनेगा वो 5 MA के ऊपर होना चाहिए और उसका लो EMA को टच नहीं करना चाहिए। एंट्री विल बी एट द लो ऑफ द एंट्री कैंडल, स्टॉप लॉस विल बी हाई ऑफ द एंट्री कैंडल। सिंस ये बैंक निफ्टी है तो हम मैक्स लॉस 150 पॉइंट ही रखेंगे, इससे ज़्यादा हम लॉस नहीं ले सकते। तो अगर आपका स्टॉप लॉस 150 पॉइंट के ऊपर रहा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। और रिस्क रिवॉर्ड इस केस में हम 3 लेंगे। जैसे यहाँ देखिए, ये जो कैंडल फॉर्म हुआ है वो एंट्री कैंडल है, इसके लो पे हम सेल करेंगे, स्टॉप लॉस कैंडल का हाई रखेंगे और रिस्क रिवॉर्ड 3:1। चलिए, आई होप स्ट्रेटजी क्लियर है। आप उनका वीडियोस भी देख सकते हो, और अगर आपको और कुछ डाउट है तो हमारा 5 MA वाली स्ट्रेटजी का वीडियो भी जरूर चेकआउट करना। तो इस स्ट्रेटजी को चलिए हम 100 times टेस्ट करते हैं और इसका असली विन रेट चेक करते हैं। आई लेट यू नो द फुल रिजल्ट आफ्टर द टेस्ट। आप कंप्लीट टेस्ट को यूट्यूब में प्लेबैक स्पीड स्लो करके भी देख सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द फास्ट फॉरवर्डिंग।
सो द टेस्ट आर ओ, जैसे आप देख सकते हो टोटल नंबर ऑफ ट्रेड 100 था, इसमें से 33 वाज विन एंड 66 वाज लॉस। सो विन रेट हुआ 33%, टोटल गेन इन एन अकाउंट वाज 34.31% और मैक्स ड्रॉ डाउन इज -9.106%। कंटिन्यूस विन इन अ रो वाज 3 एंड कंटिन्यूस लूज इन अ रो वाज 10। टोटल ड्यूरेशन ऑफ द टेस्ट वाज 0.986 मंथ्स। आगे बढ़ने से पहले आपको कुछ चीज़ें समझाता हूँ, जो आपको ट्रेडिंग शीट दिया है उसमें क्या मॉडिफाई करना पड़ेगा। सिंस हम बैंक निफ्टी में टेस्ट कर रहे हैं फ्यूचर्स के लिए, तो हमने कैपिटल को 1.5 लाख कर दिया इधर, क्योंकि को एक फ्यूचर का लॉट ट्रेड करने के लिए 1.5 लाख का कैपिटल चाहिए। तो ऑब्वियसली आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रहेगा वो उसके हिसाब से ही रहेगा। ये केस में देखिए, हमने जो 150 पॉइंट्स का रूल रखा है, तो मैक्स आपका रिस्क पर ट्रेड इसके लिए 2.14% हुआ है, जो हम नॉर्मल स्टॉक्स के केस में हम लोग 1% रखने बोलते हैं। और आपको यहाँ पर नंबर ऑफ लॉट्स जो है ना उसमें चेंज करके वो 25 करना है, क्योंकि एक लॉट 25 क्वांटिटी का होता है। बस इतना ही चेंजेस है। जैसे आप देख सकते हो विन रेट सिर्फ 33% है, जो बहुत कम है, बट दिस इज एक्सपेक्टेड। आपको पता है जैसे आपका रिस्क रिवॉर्ड हाई होता है तो आपका विन रेट ऑब्वियसली लो ही होगा। आई वुड से रिजल्ट्स आर इम्प्रेसिव, 34.31% इन जस्ट 0.986 मंथ्स, मैक्स ड्रॉडाउन इज -9.106%, विच इज ओके आई वुड से। सिर्फ कंटिन्यूस लॉस इन अ रो वॉज 10, ये थोड़ा कंसर्निंग है, बट ऑब्वियसली जैसे मैंने स्टार्ट में बोला रिस्क 3:1 है, तो ये एक्सपेक्टेड है क्योंकि आपका विन रेट ऑब्वियसली कम है इसके लिए। कूडोज टू मिस्टर सुभाष पनी फॉर शेयरिंग सच एन अमेजिंग स्ट्रेटेजी। सो आई विल ऐड दिस स्ट्रेटेजी इन गूगल शीट, लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, एंड दिस टेक द फर्स्ट पोजिशन इन द न्यू लिस्ट वेर वी विल ओनली ऐड बैंक निफ्टी और निफ्टी स्ट्रेटेजी। यू कैन चेक द लिस्ट एंड रिव्यू और रिवॉच एनी स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी यू लाइक। सो गाइज, इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज सपोर्ट अस बाय सब्सक्राइबिंग टू द चैनल एंड हिटिंग द बेल नोटिफिकेशन, एंड डू लाइक द वीडियो एंड शेयर द वीडियो। अगर आप हमको सपोर्ट करना चाहते हो तो आपको UPI ID स्क्रीन पे दिख रहा होगा, प्लीज़ कमेंट में आपके फीडबैक दीजिए और कौन सी स्ट्रेटेजी आप चाहते हैं कि हम टेस्ट करें अपने फ्यूचर वीडियोज़ में, ये भी ज़रूर बताना। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट देख सकते हो और दूसरी स्ट्रेटेजीज़ के वीडियोज़ भी देख सकते हो। ऑल द सोशल मीडिया लिंक्स विल बी इन द डिस्क्रिप्शन, प्लीज़ फॉलो अस एंड शो योर सपोर्ट। मोर ऑसम कंटेंट्स आर ऑन द वे, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।